दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जेब से पैसे नदारद हों और आप चैन की सांस ले रहे हों, आप धर्म से ऊपर उठकर जिंदगी जी रहे हों, राजनीति आपके घर में दखल अंदाजी ना कर रही हो। अब तक आपने ऐसे कई शहर और गांव के बारे में सुना होगा जहां अमीर लोग रहते हैं, मगर आपने शायद ही ऐसे शहर के बारे में सुना होगा जहाँ आपको रहने के लिए पैसों की ज़रूरत नहीं होती है। इस जगह का नाम ओरोविले है, जो तमिलनाडु विल्लुपुरम जिले में स्थित है। यह एक ऐसा शहर है जहां पूरी दुनिया के पुरुष और महिलाएं शांति से रहते हैं। इस शहर की स्थापना 28 फरवरी 1968 में अरविंदो सोसाइटी प्रोजेक्ट के तहत मीरा अल्फाजो ने की थी। यहां रहने के लिए आपको न पैसे की ज़रूरत है और न ही भारत सरकार की कोई राजनीति इस शहर से कोई ताल्लुक नहीं रखती है। यहां रहने के लिए आपको ईर्ष्या और भेदभाव को भूलकर पूरी तरह से एक सेवक बनकर रहना पड़ता है। इस शहर को बनाने के पीछे भी यही उद्देश्य था कि लोग यहां एक दूसरे से भेदभाव या ऊंच नीच या जात पात को पूरी तरह से भूल कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस शहर के बीचों बीच एक मातृ मंदिर स्थित है। इस मंदिर में कोई पूजा नहीं होती है, बल्कि यहाँ योग किया जाता है। ओरोविले भारत के संविधान के एक अधिनियम के माध्यम से ओरोविले फाउंडेशन द्वारा शासित है। ऐसे शहर को अपने अनूठे प्रयास के लिए यूनेस्को का भी साथ है और भारत के संविधान के एक अधिनियम के तहत ओरोविले फाउंडेशन के द्वारा शासित इस शहर को भारत सरकार का समर्थन भी प्राप्त है। धर्म, राजनीति और पैसे के बगैर भी कोई रह सकता है क्या? यह सवाल अक्सर हम सभी के दिलो दिमाग को परेशान करता रहता है। सूर्योदय के शहर के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर ओरोविले को आज कौन नहीं जानता। ओरोविले एक ऐसा शहर है जहाँ पूरी दुनिया के पुरुष और महिलाएं शांति से रहते हैं। हर तरह की राष्ट्रीयता से ऊपर न कोई झगड़ा झंझट और न कोई क्षुद्र राजनीति। ओरोविले मानवीय संवेदना का चरम है। इस शहर को मीरा अल्फासा माँ ने 28 फरवरी 1968 में श्री अरविंदो सोसाइटी प्रोजेक्ट के तहत स्थापित किया था। इस शहर को रोजर एंगर ने डिजाइन किया था। इस शहर की स्थापना करने वाली माँ का मानना था कि यह यूनिवर्सल टाउनशिप भारत में बदलाव की हवा लाएगा। ओरोविले में आपको मानवीयता का चरम बिंदु देखने को मिलेगा। यहाँ पूरी दुनिया के 50 अलग अलग देशों से लोग आते हैं। हर जाति, वर्ग, समूह, पंथ और धर्म के लोग यहाँ रहते हैं। यहाँ फिलहाल सिर्फ 24,000 लोग रहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा किस प्रकार संभव है, तो हम आपको बता दें कि यहाँ लोग धार्मिकता के बजाय आध्यात्मिकता को अधिक तहजीब देते हैं। इस शहर के बीचों बीच एकमात्र मंदिर है और योग का अनुसरण कर रहे लोग इस शहर में बहुसंख्यक हैं। यहाँ 900 की क्षमता वाली एक असेंबली है और यहाँ के आंतरिक दिक्कतों का निपटारा यहीं के लोग करते हैं। लोग एक दूसरे की भाषा नहीं समझ पाते, इसके बावजूद वे अपना सारा काम बिना रुकावट के करते हैं। यहाँ लोग बाहर से चीज़ें आयात निर्यात करने के लिए ही पैसे का इस्तेमाल किया करते हैं। इसके अलावा यहाँ सभी चीज़ों के मूल्य न्यूनतम है। यहाँ सांसारिक सुखों को बिना किसी वजह के तरजीह नहीं दी जाती। ओरोविले पांडिचेरी के निकट एक छोटा सा शहर है जहाँ दुनिया भर से लोग शांति और सुकून की तलाश में हर साल पहुँचते हैं। ओरोविले का तात्पर्य एक ऐसी वैश्विक नगरी है जहाँ सभी देश के स्त्री पुरुष सभी जातियों, राजनीति तथा सभी राष्ट्रीयता से ऊपर उठकर शांति एवं प्रगतिशील सद्भावना की छाँव में रह सकें। ओरोविले का उद्देश्य मानवीय एकता की अनुभूति करना है। नगर के बीचों बीच मातृ मंदिर अवस्थित है, जिसे एक उत्कृष्ट एवं मौलिक स्थापत्य उपलब्धि के रूप में सराहना प्राप्त है। मातृ मंदिर के भीतर एक कुंडली ढलान, ऊपर की ओर एक कांतिमान श्रेप्त संगमरमर से बने वातानुकूलित कक्ष व्यक्ति की चेतना को ढूंढने का स्थान की ओर जाता है। अल्फासा के अनुसार यह भविष्य की अनुभूति के प्रतीक का प्रतिनिधित्व करता है। जब सूर्य नहीं होता या डूब जाता है तो ग्लोब के ऊपर के सूर्य की रश्मि के स्थान पर एक और ऊर्जामान प्रकाश की किरण बिखेर जाती है। राजनीति और धर्म का ओरोविले में कोई स्थान नहीं है। यहाँ के मकानों का मालिक उनमें रहने वाले नहीं बल्कि फाउंडेशन। तो दोस्तों, हमारी ये अनोखे गाँव की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और हमारी वीडियो को लाइक शेयर करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में।